हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल सा वन हेयर स्टाइल। साड़ी के लिए, लहंगे के लिए, गाउन के लिए लो वन हेयर स्टाइल है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, कैसे बनाना है खुद से बना के दिखा रही हूँ। आप भी एक दो बार ट्राई करोगे तो जरूर बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक सनस्क्रीन का आपको रिव्यू दे देती हूँ। ये स्किन क्राफ्ट का सनस्क्रीन है, काफी अच्छा है। आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो अपने स्किन के अकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा क्रीमी टेक्सचर भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा लिक्विड में भी नहीं है। और इसको आप लगा के स्किन पे छोड़ दोगे तो ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और ड्राई स्किन के लिए और ड्राई टच देता है। बट आप ड्राई स्किन पे भी यूज कर सकते हो इसको। एंड ये मुझे पड़ा है 499, इस पे लिखा हुआ है बट मुझे 250 का पड़ा था। मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से। तो आप भी चाहो, इसमें SPF 45+ है तो आप इसको धूप में जा रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो एंड घर पे रह रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। कई लोग सोचते हैं कि घर पे हैं तो सनस्क्रीन की क्या जरूरत है। बिल्कुल है, घर पे हो तो भी आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज करते हो तो आपका स्किन डे बाय डे डल होते जाता है एंड सांवला दिखने लग जाता है। और सनस्क्रीन यूज करते हो आपको ऐसा लगता है कि आप घर के अंदर हो तो आपके चेहरे को उसकी सन की जो किरणें होती हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा रही। बट ऐसा नहीं है, आप घर में भी हो तो आपको 30 to 15, 13, 40 तक आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हो SPF 40 वाला। ज्यादा से ज्यादा 30 या 20 तक SPF वाला मिल जाए। अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो आप यूज कर सकते हो बट सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये स्किन क्राफ्ट का है, आप चाहो तो मंगा सकते हो इसको। लिंक चाहिए तो बताइएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें हो गई तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट से हेयर को लेना है इस तरीके से। ओके, एक लाइन में ही आपको ये लेके जाना है हेयर। स्टार्टिंग का मैंने इस तरीके से ले लिया। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जैसे हम लोग फ्रेंच चोटी बनाते हैं वैसे ही इसको बनाते जाना है। जैसे ये वाली हमारी लाइन है तो इसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट लेयर लेना है। इस साइड भी सेम इसी तरीके से। अब सेंटर से इस तरीके से पकड़ना है एंड टाइट करके फिर अगेन यही वाले लाइन के अकॉर्डिंग लेके जाते जाना है। ओके, इस तरीके से। अब बनाते जाना है पूरा एंड तक। इस तरीके से क्राउन एरिया के थोड़ा सा नीचे तक आपको इस तरीके से लेके आना है हेयर को। और सिंपली इस तरीके से थोड़ा सा गूथ लेंगे चोटी को। गूथने के बाद एक एक लेयर्स को थोड़ा थोड़ा खींच लीजिएगा ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है वो प्रॉपर दिखाई दे। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से हेयर को इस तरीके से लेके जाना है। और इसके पहले आप यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा दोगे पतला वाला। इस तरीके से करके छोड़ देना। आप चाहो तो ओपन रख सकते हो इस तरीके से चोटी को गूथ के। अगर आपको खुला बाल रखना है तो रख सकते हो, काफी अच्छा और स्टाइलिश लगेगा
एंड मैं यहाँ पे आपको बन बताने वाली हूँ, तो आपको सिंपली यहाँ से हेयर को इस तरीके से उठाना है। कॉम करना है आप कॉम कर सकते हो, दूसरी साइड से भी इस तरीके से ले लेना है। ओके, इसमें एक रबड़ बैंड लगा देंगे। अब इसको एक से दो बार इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद हल्का हल्का सा हेयर को खींच लेंगे इस तरीके से। अब इसको टाइट कर देंगे। दूसरा लेयर अगेन लेंगे यहाँ से। अब इनको पकड़ के फिर से एक रबड़ बैंड लगाएंगे यहाँ पे। बहुत प्यारा लुक आएगा एंड पार्टी के लिए बेस्ट बेस्ट रहेगा। अगर आपको लेयर्स वगैरह निकालना है तो आप पहले ही निकाल लीजिएगा, बाद में खींचोगे तो आपका हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। और ये लेयर्स ब्राइडल्स के लिए कर रहे हो तो आप लेयर्स जरूर निकालिएगा, इसको कर्ल्स कर दीजिएगा। अब इसको भी इस तरीके से दो बार आप खींच लोगे। देन इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। अब सारे बालों को पकड़ना सारे बालों को पकड़ के रबर बैंड लगा देना है। रबर बैंड लगाने के बाद से आपको एक डोनट बन लेना है। ये डोनट बन को पोनी टेल के ऊपर जस्ट लगा देना है और एक यू पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं बाद में। टाइम हो गया। हाँ सॉरी, डोनट बन को आपको पोनी के ऊपर नहीं लगाना है, डायरेक्ट इस तरीके से लगाना है यहाँ पे। 3-4 यूपिंस लगा लीजिएगा ताकि जो हेयर स्टाइल है वो खुले नहीं बाद में। डोनट बन अच्छे से अपनी जगह पे सिक्योर हो जाए। इस तरीके से कर लिया है। देन इस तरीके से हेयर को लेंगे एंड यहाँ पे रबड़ बैंड लगाएंगे। काफी खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनना है बनने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस तरीके से रबड़ बैंड को लगाएंगे और इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। और इस तरीके से डोनट बन के ऊपर से लेके जाएंगे एंड यू पिन की मदद से सिक्योर करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से करना है। इसमें इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। और फिर से इस साइड से लेके जाएंगे और यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे।
अगेन दूसरा लेयर लेंगे। यूपिन से आपको सिक्योर करते जाना है, और यूपिन लगाते टाइम ध्यान दीजिएगा कि यूपिन जो है आपके स्कैल्प पे ना जाए। अच्छे से डोनट बन को हाइड करते हुए यूपिन से इसको सिक्योर कर देंगे। जहाँ भी आपका डोनट बन दिख रहा है वहाँ पे आप अच्छे से इसको लगा लीजिएगा। जहाँ पे भी आपको लग रहा है वहाँ पे आप यू पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये है बन का फाइनल लुक, जो कि साड़ी पे, लहंगे पे, किसी पे भी आप बना सकते हो और सेल्फ बना रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। इसको आप और थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इस तरीके से यू पिंस यूज कर सकते हो, फ्लावर वाले। ठीक लग रहा है। तो ये है आज का हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। तो साड़ी, लहंगा, गाउन जो भी आप ट्राई कर रहे हो अपने वेडिंग फंक्शन में, उसके साथ आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।